सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और यार आज के इस व्लॉग के अंदर हम आ चुके हैं AIG हॉस्पिटल हैदराबाद, जिसके आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूरी बिल्डिंग है AIG हॉस्पिटल, जो कि एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोलॉजी, विच इज द टॉप वन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोलॉजी इन एशिया। ये न्यू बिल्डिंग है कच्ची वोली माइंड स्पेस के पास। तो आज इसके अंदर हम जाकर के डिस्कस करने वाले हैं, लाइक आप यहाँ पर आना चाहते हो, ये आपके लिए एक स्पेशल वीडियो है कि आप यहाँ पर आकर के कैसे कैसे आप कर सकते हो। यहाँ पर आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मिलने वाले हैं, बहुत सारा चीज़ आपको जानने को मिलने वाला है। सो इस वीडियो को हम लोग 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जो कि इसी वीडियो के अंदर सारा कुछ होगा। तो सबसे पहला होगा डॉक्टर्स कंसल्टेशन, सबसे पहले होगा डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट, दूसरा होगा डॉक्टर्स कंसल्टेशन, और फिर तीसरा होगा यहाँ पर ऑल द लाइक जितना भी टेस्ट आ रहा होगा ना, वो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे आपको टिप्स ट्रिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे सारा कुछ। और फिर आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा फोर्थ पार्ट। यार जो फोर्थ पार्ट है वो होगा कि यहाँ पर आपको खाने पीने का, हॉस्पिटल के कुछ फीचर्स आपको मैं बताऊँगा, और जो फिफ्थ पार्ट है वो होगा रहने का, लॉजिंग वगैरह का सब कुछ। तो चलो जल्दी से अभी हॉस्पिटल के अंदर एंट्री करते हैं और वन बाय वन करके सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करते हैं जल्दी से। तो चलो गाइज़ अंदर एंटर करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो सामने AIG है और वहाँ पर है काउंटर, तो इन काउंटर्स को कहा जाता है रजिस्ट्रेशन काउंटर। और यहाँ पर हेल्प डेस्क है, यहाँ पर आपको कुछ भी अगर समस्या हो तो वहाँ पर आप जाके कर सकते हो। सबसे पहले होता है डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट। तो डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट के स्क्रीन पे दिए गए इस नंबर पे आपको कॉल करना है, और कॉल करके आपको डॉक्टर का अपॉइंटमेंट बुक कर लेना है। और लाइक जो डॉक्टर लोग का जो लिस्ट है वो मेरे अकॉर्डिंगली ये है कुछ, और फिलहाल आपको यहाँ पर आकर रहना है, वो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आपको कॉल से बुक कर लेना है। फिर जब आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा आपको आना है, सुबह सुबह आपको यहाँ पर एकदम 9 बजे पहुँच जाना है। फिर यहाँ पर आपको कुछ फॉर्म वगैरह साइन करना होगा, फिर आपको वो रिपोर्ट मतलब वो जो होता है ना फाइल और वो सब बना करके यहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद फिर यही लोग आपको बता देंगे कि वो डॉक्टर कहाँ पर बैठते हैं और आपको कहाँ पर जाना है। और लाइक यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऊपर जाने के लिए कुछ इस टाइप के एस्केलेटर्स लगे हुए हैं। ओल्ड व्लॉग देखोगे तो थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा पहले से भी। तो फिलहाल आपको यहाँ से जाना है, तो लाइक और यहाँ पर जैसे मेरी मम्मी का तो डॉक्टर फर्स्ट फ्लोर पर है, तो अभी मैं यहाँ पर से फर्स्ट फ्लोर पर चलता हूँ। तो चलो फिलहाल वहीं पर जल्दी से। सो गाइस, जो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एस्केलेटर्स, जो कि एकदम फ्लैट और ऐसा करके ऐसे जाता है। और जो नेक्स्ट वाला है वो है डॉक्टर्स कंसल्टेशन। तो डॉक्टर्स कंसल्टेशन में कुछ नहीं है भैया, जहाँ पर ये क्लस्टर्स में लाइक यहाँ सब कुछ डिवाइडेड है, तो जो भी क्लस्टर में आपका डॉक्टर बैठता है सब क्लस्टर फर्स्ट फ्लोर पर है, और कुछ क्लस्टर सेकेंड फ्लोर पर है। तो फर्स्ट फ्लोर पर जैसे मेरी मम्मी का तो बैठता है क्लस्टर K में, तो अभी हम जाएंगे यहाँ से क्लस्टर K, जो कि ऊपर जाने पर इधर लेफ्ट साइड को है। तो वहाँ पर जाएंगे और फिर आप डॉक्टर से मिल लो यार, वहाँ पर ऐसा सब नॉर्मल सा ही होता है। और फिर डॉक्टर्स कंसल्टेशन भी ऐसा कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। तो अब हम सीधा मूव करते हैं हमारे थर्ड पार्ट पे, विच इज़ अब यहाँ का सीन देखो गाइस। अब हम जा रहे हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। अब मान लो डॉक्टर ने आपको लिखा कुछ टेस्ट वगैरह करवाने को, तो सबसे पहले आपको कटवाना होगा बिल। तो बिल अभी सबसे पहले हम कटवाने का प्रोसेस बताते हैं, उसके बाद फिर आपको बताएंगे ये सारा टेस्ट कहाँ पर होता है और कैसे कैसे क्या होता है। और याद रखना, यहाँ पर जो भी कुछ होगा सब सेकेंड फ्लोर तक ही सीमित है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। और यहाँ पर सामने में सिटिंग एरिया है ये वाला। सो गाइस, वी रीच्ड टू फर्स्ट फ्लोर। अब यहाँ पर देखो OP बिलिंग काउंटर, यहाँ पर आपको आना है, एकदम सामने में ही है, बिल करवाना है। लाइक आपको बता रहा हूँ कैसे। ये टोकन मशीन है, यहाँ पर से आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आपको टोकन मिल जाएगा। लाइक अभी मेरे को टोकन मिला है, मैं आप लोगों को दिखलाता हूँ। थोड़ा सा मुड़ गया पॉकेट में रख करके, यहाँ देखो टोकन नंबर G3345। तो यहाँ पर सीरियल वाइज ये नंबर रखे, आपको वहाँ पर बुलाया जाएगा। और यहाँ देखो ये फर्स्ट फ्लोर का हेल्प डेस्क एंड ट्रैवल डेस्क। और जब मान लो आपका रिपोर्ट जो आपको जो भी बिल देगा रिपोर्ट का, आप सबसे पहले तो वहाँ पर बिल काट देगा और बताएगा कि ये वाला बिल आपका ब्लड टेस्ट का, ये इस फलाना टेस्ट का है। तो ये वाला चीज़ जो आपको बताएगा, तो वहाँ पर आपको लिख देगा क्लस्टर ABCD, यहाँ पर आपको जाना है।
तो कौन सा क्लस्टर किस फ्लोर पे और कौन से क्लस्टर में क्या चीज़ें होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और ये वाले पार्ट में मैं बता दूँ, लाइक आपका टेस्ट हो गया, आपको अब रिपोर्ट लेना है, तो आपको जैसे ये हेल्प डेस्क दिख रहा है ना, आपको उसके पीछे आ जाना है और यहाँ पर है बिल डिस्पैच काउंटर, मतलब रिपोर्ट डिस्पैच काउंटर। तो यहाँ पर आपको अपना बिल दे देना है और उसके बाद फिर रिपोर्ट डिस्पैच करके आपको दे देंगे। तो हम तो ऐसे ही करते हैं यहाँ पर। अभी फ़िलहाल हमने और मम्मी ने सारा कुछ दिखा लिया है, अभी आपको दिखला रहे हैं। और सीन कुछ ऐसा है यार, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के ऊपर कि कौन सा चीज़ कहाँ पर लोकेटेड है। तो सबसे मेन पार्ट यही है। तो इस वीडियो को, ये वाला पार्ट तो भैया पूरा एंड तक देखना, बिकॉज ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए जानना, कौन सा क्लस्टर कहाँ पर है, कौन सा चीज़ कहाँ क्या होता है, सब कुछ। जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया था, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा अगर आप इसको देखोगे। तो चलो, यहाँ पर देखो, आप आए फर्स्ट फ्लोर के ऊपर और यहाँ पर सामने ही आपको स्क्रीन में यहाँ पर ये भैया खड़े हैं, यहाँ पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो आओ जरा देखते हैं। सो लाइक फर्स्ट फ्लोर पे है क्लस्टर ICEGHFG, राइट साइड यानी कि ये वाले साइड, और नीचे लेफ्ट साइड में, और कौन सा क्लस्टर में क्या चीज़ होता है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, लाइक यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर से इसका स्क्रीन शॉट ले लो, उसको याद कर लो। और शौचालय वगैरह यहाँ पर आपको हर फ्लोर पर एक एक ड्रिंकिंग वाटर दिखने जाएगा यहाँ पर, लाइक ये वाला देख रहे हो, यहाँ पर ये ड्रिंकिंग वाटर का यहाँ पर कप रखा हुआ है, आप पानी वानी पी सकते हो यहाँ पर। अब हम चलते हैं सेकंड फ्लोर की ओर। तो चलो, यहाँ पर आप देख सकते हो इधर साइड हाल में बैठने का एरिया वगैरह बना हुआ है, पूरा मस्त ये जगह है। और यहाँ पर से अभी हम ऊपर जाएंगे सेकंड फ्लोर पर, वे टू द सेकंड फ्लोर। अब हम यहाँ से चलेंगे और यहाँ से एक बार नीचे का व्यू चेक करो, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही बवाल सा व्यू है। और यहाँ पर चलते हैं, अब यहाँ पर क्या क्या है वो आपको बताते हैं। तो सबसे पहले ये वाले साइड में आपको सिर्फ एक ही चीज़ मिलेगा, दैट इज़ इंडोस्कोपिक डिवीज़न। इधर इंडोस्कोपी एंड क्लोनोस्कोपी यहाँ पर किया जाता है, जो कि यहाँ का सबसे प्रसिद्ध कह सकते हो टेस्ट है, जांच, बिकॉज इसके बिना यहाँ का अधूरा है। मतलब आपको पेट में दिक्कत है ना, तो यहाँ 110% चांसेस हैं कि यहाँ पर आपका इंडोस्कोपी होगा। अभी मम्मी का भी हुआ, तो उसका क्या रिव्यू है ना वो हम मम्मी से लास्ट में पूछेंगे कि वो होने के बाद कैसा लगता है, इसी पार्ट में लास्ट में पूछेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है लाइक डे केयर बिलिंग इंडोस्कोपी HDU, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी एक हेल्प डेस्क है सेकंड फ्लोर पे, और ये वेटिंग एरिया है, और वो साइड क्लोनोस्कोपी इंडोस्कोपी होता है, और ये वाले साइड में कुछ नहीं होता है। तो हाँ, ये साइड क्या होता है, चलो देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर लोकेटेड है, कि इस फ्लोर पे यहाँ लिखा हुआ है। उधर साइड तो इंडोस्कोपिक HDU है, यहाँ पर डॉक्टर्स बैठते हैं शायद। क्लस्टर आर यहाँ पर है ऊपर में सेकंड फ्लोर पे। और गाइस फर्स्ट फ्लोर का कैंटीन यहाँ पर है, OP बिलिंग काउंटर भी है यहाँ पर। तो फर्स्ट फ्लोर का तो आपने देख लिया, यहाँ देखो काउंटर के जस्ट बगल में ही वहाँ है कैफ़े, जहाँ पर आपको वेज पैटीज कुछ ड्रिंक्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। अब चलते हैं ग्राउंड फ्लोर पर। गाइस देखो, ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पर फार्मेसी है, और यहाँ पर लाइक आप जाओगे ये वाला जैसा है ना, यहाँ पर कैंटीन है। तो कैंटीन का भी खाना काफ़ी आदत से रहता है, मैं प्रेफर करता हूँ आपको, बिकॉज मैं तो इतना दिन से हूँ तो मैं कैंटीन में ही खा रहा हूँ यहाँ का एकदम, मतलब जो नॉर्मल देखते हो हॉस्पिटल में गंदा संदा से जैसे तैसे रहता है, वो वाला सीन नहीं है। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया खाना आपको मिलेगा देखने को, और चूँकि हॉस्पिटल है तो कम मसाला कम तेल वगैरह में बना हुआ रहेगा, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यार AIG का देखो एंट्रेंस यहाँ पर से है, मेरे पीछे AIG है, और ये वाला रास्ता, ये मेन रोड है जहाँ पर से आए हैं हम, एक्चुअली हाईवे से है कुछ तो। तो हाँ, यहाँ पर से आना है आपको लॉजिंग के लिए, और यहाँ पर से आपको जस्ट यहाँ पर यू टर्न लेना है, पीछे आपको एक गली मिल जाएगी, तो वो मैं दिखलाता हूँ पहले। लाइक यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर से आपको जाना है, ये देखो ये AIG है, और इधर साइड यहाँ पर ये रास्ता है, तो इसी के अंदर आपको लॉज मिल जाएगा, सारा खाने पीने का सामान वामान, मतलब जो भी होटल वगैरह सब मिल जाएगा इसके अंदर। और यही वाला गली का एक और लैंडमार्क है, वो है AIG का बैक वाला रास्ता, तो वो रास्ता भी अभी आप लोगों को दिखाते हैं। और यार इधर भी अगर आप लॉज वॉज में रहोगे तो टेम्पो वेम्पो का कोई कमी नहीं है, खाने पीने का मस्त एकदम रह सकते हो, कोई टेंशन ही नहीं ज़िंदगी में।
गाइस, ये है AIG का पार्किंग। यहाँ पर देख रहे हो पीछे AIG का बिल्डिंग है और इसके आगे से सारा स्टाफ्स का एंट्री। आई डोंट थिंक सो कि वहाँ से हम लोग का एंट्री होगा। ये क्या हो रहा है, गरीबों को भीग दिया जरा। वाह मम्मी, तुम गुड किया। और यार यहाँ पर देखो ये वाला एरिया, यहाँ से अभी कार निकला ना, लाइक यहाँ पर से अभी आप देखो, दिस इज द एंट्रेंस ऑफ स्टाफ इन AIG, मतलब स्टाफ एंट्री है यहाँ से। तो चलो इसके आगे आपको लॉजेस वगैरह देखना स्टार्ट हो जाएंगे। लॉजेस को मैं प्रमोट नहीं करता। बाय गाइस।